गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं नीरज भट्ट आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में क्लास सेवन्थ इंग्लिश एन एलियन हैंड का चैप्टर नंबर 10 पढ़ाया था, चैप्टर नंबर 10 जो है पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, इसका पार्ट फर्स्ट पढ़ाया था। आज आप लोगों को मैं पार्ट सेकेंड पढ़ाऊँगा। उम्मीद करूंगा आप लोग पार्ट फर्स्ट, जिसको मैंने वीडियो फर्स्ट सेकंड थर्ड के द्वारा समझाया है, आप लोग पूरा समझे होंगे, पढ़े होंगे, और जब नहीं देखे होंगे तो इसको ज़रूर देखेंगे और ज़रूर बताएंगे वीडियो कैसा लगा। तो चलिए बिना देरी किए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। इससे पहले यदि आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को भी भेजें। देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था टिलू को जो है सिक्योरिटी गार्ड के घर पर ले आते हैं। टिलू की मम्मी गुस्से में उसे डांटते हैं, तब उसके पिताजी हैं उसके मम्मी को समझाते हैं, डांटने नहीं देते और टिलू को बताते हैं आखिर में क्यों वहां पर नहीं जाने दिया जाता है, क्या कारण था कि हम लोग अंडरग्राउंड रहते हैं। इन सब चीज़ों को बताते हैं और टिलू इसको समझता है। उसके बाद कहता है मैं भी बड़ा होकर आपकी टीम का सदस्य बनूँगा। समझ में आए बच्चों? इसी के आगे से हम लोगों को पढ़ा है द बिग टीवी स्क्रीन। यहाँ से हम लोगों को पढ़ना है द बिग टीवी स्क्रीन। मेन स्टोरी यहाँ से स्टार्ट है लेकिन पढ़ना यहाँ से है। समझे? सो बी रेडी। देखिए, द बिग टीवी स्क्रीन इन द कंट्रोल रूम शोज एन एलियन स्पेसक्राफ्ट। जो कंट्रोल रूम बनाया गया है उन लोगों का, वहाँ पर एक उसमें जो है एक स्पेस क्राफ्ट दिखाई देता है, जो बड़ा सा टीवी है कंट्रोल रूम के टीवी में, जिसमें क्या लगता है एलियन दिखाई देते हैं, एलियन लोगों का स्पेस क्राफ्ट दिखाई देता है। द क्वेश्चन वेदर देयर इज लाइफ ऑन द प्लैनेट्स एक्सरसाइजेज एवरीबॉडीज माइंड। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या जो है जो प्लैनेट्स हैं, जो ग्रह हैं, उन पर भी जीवन पाया जाता है, ये लोगों के मन में बार बार उठता है। ओके, जो एक्सरसाइज आता है एवरी बॉडी इज माइंड, जो लोगों के दिमाग में बार बार आता है। द प्रेसिडेंट ऑफ द सेंट्रल कमेटी इज अबाउट टू मेक एन इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट। जो प्रेसिडेंट है सेंट्रल कमेटी के, वो क्या है, एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट यानी कथन कहने वाले हैं, इम्पॉर्टेंट बातें बताने वाले हैं। देखिए, नेक्स्ट डे मैन टिलूज फादर वेंट टू वर्क। अगले दिन जब टिलू के पिताजी काम पर गए, ही फाउंड द कंट्रोल रूम फुल ऑफ एक्साइटमेंट। तो उन्होंने देखा, एक्साइटमेंट माने उत्तेजना से है, क्या था कि पूरा का पूरा कंट्रोल रूम एक्साइटमेंट से भरा पड़ा हुआ था। पीपल वर क्राउडेड राउंड द बिग टीवी स्क्रीन। लोग जो है भीड़ लगाए खड़े हुए थे एक बड़े से टीवी स्क्रीन के सामने। ओके, के चारों तरफ इट शोड अ डॉट इन एन अदरवाइज क्लियर बैकग्राउंड। क्यों? टीवी में क्या था, इट शोड अ डॉट, टीवी में एक जगह एक डॉट का निशान था, इन एन अदरवाइज क्लियर बैकग्राउंड, और बाकी और अन्य जगह क्या था, बैकग्राउंड क्या था, क्लियर सिर्फ एक जगह क्या था, डॉट था। इट इजेंट अ स्टार। सब लोग अब क्या सोच रहे हैं, ये तो स्टार है नहीं। फॉर इट्स चेंजिंग इट्स पोजिशन। क्यों? क्योंकि ये अपना पोजिशन बदल रहा है। आवर कंप्यूटर हैज़ गिवन अ ट्रैजेक्टरी फॉर दिस थिंग। हम लोगों का जो कंप्यूटर है वो प्रक्षेप पथ बता रहा है इस चीज़ का। प्रक्षेप पथ माने ट्रैजेक्टरी माने कि ये अपना जगह चेंज कर रहा है पोजिशन। ओके, अब देख लीजिए, जिस थिंग इट्स हेडिंग टुवार्ड्स अस, और ये आगे बढ़ रहा हमारे तरफ। द सुपरविजर ऑफ द लास्ट शिफ्ट एक्सप्लेन। जो सुपरवाइजर था वहाँ उसका, उसने जो है लास्ट शिफ्ट के बारे में बताया। ओके, आ स्पेस क्राफ्ट, एक स्पेस क्राफ्ट, टिलूज फादर आर्ट, टिलू के पिताजी ने पूछा, एक स्पेस क्राफ्ट, बाई नाउ ही वॉज ज्वाइंड बाई हिज टीम मेट्स ऑन द न्यू शिफ्ट। क्या था, अब तक वो जो है अपने टीममेट्स के साथ अपने काम को ज्वाइन कर लिए थे नए शिफ्ट के लिए, यानी अब तक वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लिए थे। सो वी थिंक बट इट नीड्स वॉचिंग
हाँ हमको लग हम लोगों को लगता है, बट इट नीड्स वॉचिंग, लेकिन हम लोगों को देखने की भी ज़रूरत है आखिर में ये है क्या एकदम क्लियर। हाँ स्पेस क्राफ्ट फ्रॉम वेयर, वेयर फ्रॉम स्पेस क्राफ्ट, कहाँ से? द सोलर सिस्टम वाजंट नोन टू हैव एनी लाइफ एनी वेयर एल्स एक्सेप्ट ऑन देयर प्लेनेट। जो हम लोगों का सोलर सिस्टम है, सौर परिवार है, वाजंट नोन, वो और नहीं जाना जाता टू हैव एनी लाइफ, कि कोई जीवन है एनी वेयर कहीं पर भी, एल्स एक्सेप्ट ऑन देयर प्लेनेट, कहीं अन्य जगहों पर, एक्सेप्ट माने छोड़कर या सिवाय देयर प्लेनेट, हमारे प्लेनेट के, उनके प्लेनेट के। क्या कह रहे हैं कि जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में और कहीं तो जीवन पाया नहीं जाता, सिर्फ हमारे ग्रहों को, हमारे ग्रह को छोड़कर। टिलूज फादर रिकॉर्ड द एंशेंट डेज, रिकॉर्ड माने याद करना, टिलू के पिताजी जो है पुराने दिनों को याद किए, एंशेंट डेज रिकॉर्डेड, जो रिकॉर्ड था इन द आर्चीव्स एट द सेंट्रल ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो के आर्चीव, आर्चीव्स माने होता है लेखागार या पुरालेख, यानी जो पुराने लिखे गए डॉक्यूमेंट्स हैं जहाँ रखे जाते हैं उसी को आर्चिव्स कहा जाता है। तो आर्चिव्स में से जो है पुराने डॉक्यूमेंट्स जो है टीलू के पिताजी ने निकाला एट द सेंट्रल ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो के। वेन देयर एंसेस्टर्स हैड अ वेल डेवलप्ड स्पेस प्रोग्राम, जब उनके एंसेस्टर्स यानी पूर्वज एक बहुत अच्छा वेल डेवलप्ड बहुत विकसित स्पेस प्रोग्राम यानी स्पेस यानी अंतरिक्ष का प्रोग्राम बना लिए थे, एंड हैड सर्च्ड द सोलर सिस्टम, और उन्होंने जो है सोलर सिस्टम को भी ढूंढ लिया था विद मैंड एंड अनमैंड, आदमियों के साथ भी और अनमैंड बिना आदमियों के भी, यानी जहाँ पर लोग रहते भी हैं और नहीं भी रहते हैं, स्पेस क्राफ्ट सॉरी मैंड एंड अनमैंड, आदमियों के वाला और अनमैंड वाला स्पेस क्राफ्ट भी बना लिए थे। क्या था सोलर सिस्टम में जाने के लिए आदमियों के लिए वाला भी स्पेस क्राफ्ट जिसमें लोग जा भी सकते हैं, अनमैन और बिना आदमियों के स्पेस क्राफ्ट भी बना लिए थे, एंड फाउंड दैट दे वर हाँ मैंड एंड अनमैंड स्पेस क्राफ्ट, एंड फाउंड और पाए दैट दे वर इंडीड एलोन, और उन लोगों ने ये भी वास्तव में क्या किया था पता लगाया था कि वो लोग वास्तव में एलोन हैं। क्या था इनके पूर्वजों ने पुराने समय से ही ये पता लगाना प्रारंभ कर दिया था स्पेस और सोलर सिस्टम में पता लगाने के लिए, सिर्फ और ग्राउंड पर जीवन पाया जाता है कि नहीं जा पाया जाता है, उन्होंने अपने अंतरिक्ष प्रोग्राम को बहुत विकसित किया था, और जो स्पेसक्राफ्ट बनाए थे उसमें मैन भी जा सकते थे अंतरिक्ष में, और अनमैन यानी बिना, जो स्पेसक्राफ्ट था बिना आदमियों के भी जा सकता था, उसमें कोई आदमी नहीं रहता, और उन लोगों ने जो पता लगाया तो पता चला कि कोई जीवन नहीं है और सिर्फ उन्हीं के ग्रह पर जीवन है। हम देख लीजिए, नाउ इन द डेज ऑफ एनर्जी शॉर्टेज, और अब एनर्जी की कमी के दिनों में, एंड अंडरग्राउंड लाइफ, और जो हम लोगों का अंडरग्राउंड जीवन है यानी जो अंडरग्राउंड लाइफ है, यानी कि सब लोग अब जो है अंडरग्राउंड में रहते हैं, यानी जो जिस प्लैनेट पर रह रहे हैं उसके नीचे रह रहे हैं, दे हैड नो स्पेस प्रोग्राम, अब उन लोगों का कोई स्पेस प्रोग्राम नहीं है, एनर्जी की कमी के नाते, अंडरग्राउंड रहने के नाते अब इन लोगों का कोई स्पेस प्रोग्राम नहीं है, लेकिन जब इन लोगों का स्पेस प्रोग्राम हुआ करता था इनके पूर्वज जो बनाए थे उससे ये पता चला था कि और कहीं पर भी जीवन नहीं पाया जाता है। दे कुड ओनली वॉच इम्पोर्टेंटली फ्रॉम देयर वेंटेज माने होता है सुविधा से, और क्या होता है इम्पोर्टेंटली माने दुर्बलता से ना, दे कुड ओनली वॉच इम्पोर्टेंटली, वो सिर्फ जो है निर्बलता पूर्वक उसे देख सकते थे क्योंकि उनका कोई स्पेस प्रोग्राम नहीं था, यानी जो स्पेस क्राफ्ट उन लोगों को दिख रहा था डॉट उसे देख सकते थे, फ्रॉम देयर वेंटेज पॉइंट अपने जो है सुविधापूर्वक जगह से। ओके हु वर दीज स्ट्रेंजर्स, और उन लोगों के मन में प्रश्न आ रहा था आखिर में ये अजनबी हैं कौन। ओके द कॉन्फ्रेंस रूम इन द सेंट्रल ब्यूरो वॉज सो क्वाइट, जो कॉन्फ्रेंस रूम था सेंट्रल ब्यूरो का वो एकदम शांत था, क्वाइट माने शांत, दैट एन आउटसाइडर वुड हैव थॉट इट वॉज एम्प्टी, कि इतना शांत था कि कोई अगर बाहर से आता तो वो सोचता कि जो सेंट्रल ब्यूरो है वो क्या था एकदम खाली है, फार फ्रॉम इट, बहुत दूर से अगर कोई मान लो
आता वहाँ और ऐसे मतलब बाहर से जज करता कोई है कि नहीं है, तो वो जानता कि इसमें कोई है नहीं, इतना शांत था, भीड़ था फिर भी शांत था। इट वॉज फुल टू कैपेसिटी। ये जो सेंट्रल ब्यूरो का कॉन्फ्रेंस था, मतलब जो सेंट्रल ब्यूरो का ऑफिस था, वो जो है उसकी जो कैपेसिटी थी उससे ज़्यादा भरा हुआ था। बट द मेम्बर्स ऑफ द सेंट्रल कमेटी वर अनयूजुअली क्वाइट। लेकिन फिर भी क्या थे जो सेंट्रल कमेटी के क्या थे मेंबर्स थे वो अनयूजुअली क्वाइट। अब प्रायोगिक रूप से यानी क्या थे, नहीं चाहते हुए भी वो लोग शांत थे। दे न्यू दैट द प्रेसिडेंट वॉज गोइंग टू मेक अ मोमेंटस अनाउंसमेंट। क्यों शांत थे? क्योंकि वो लोग जान रहे थे कि जो इसके प्रेसिडेंट हैं सेंट्रल ब्यूरो के वो क्या हैं, इसी क्षण क्या करने जा रहे हैं, एक अनाउंसमेंट, एक घोषणा करने जा रहे हैं, अनाउंस करने जा रहे हैं। मोमेंटस माने होता क्या है? सबसे अहम। क्या होता है मोमेंटस माने? सबसे अहम यानी बहुत महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं। इस तरह से प्यारे बच्चों मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। उम्मीद करूंगा आप लोगों को पूरा वीडियो समझ में आया होगा और आप लोग जो इससे पहले भी पढ़ाया गया उसको देखेंगे। मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले दिन अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोगों को थैंक यू।